सोलन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने पत्रकार वार्ता करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की और कहा कि उन्होंने देश को 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया है, वो सराहनीय है और इससे देश को एक नई दिशा मिलेगी। कोरोना संकट में देश की अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए ये पैकेज मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि इस पैकेज की वजह से देश में आत्मनिर्भरता आएगी और रोजगार के अवसर भी सृजित हो सकेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने बताया कि कोरोना के इस संकट में देश के प्रधानमंत्री ने सामान्य वर्ग, गरीब, किसान और मजदूर के उत्थान के लिए इतना बड़ा पैकेज दिया है। इससे छोटे कर्मचारी, किसान, मजदूर, छोटा उद्योग चलाने वाले लोग आत्मनिर्भर हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जीडीपी का 10% जनकल्याण और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खर्च करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने पहले महिलाओं को निशुल्क गैस उपलब्ध करवाई, महिलाओं और किसानों के खाते में 2,000 रुपये डाले और अब 80 करोड़ लोगों को आटा, चावल और दाल दी जा रही है। एमएसएमई के मझोले उद्यमियों के लिए 3 लाख करोड़ के पैकेज की भी घोषणा की गई है। कोरोना की इस महामारी के संकट में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने भारत के सामान्य वर्ग को, गरीब वर्ग को, किसान को, मजदूर को एक बहुत बड़ी राहत देने का प्रयास किया है। 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दे करके और भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सक्षम कदम उठाने की दिशा में भारत आगे बढ़ा है। हमारा मजदूर, हमारा कामगार, असंगठित क्षेत्र का कामगार, संगठित क्षेत्र का कामगार, किसान, बागवान और छोटा कर्मचारी, इसकी और लाभ देने के लिए छोटा उद्योगपति जो हथकरघा चलाता है, इस प्रकार के काम करता है, उसके लिए बहुत बड़ी राहत दी है। हमारी जीडीपी का 10% और इस पैकेज के माध्यम से दिया गया है। इससे पहले गरीब कल्याण के माध्यम से हमने 20 करोड़ जनधन के खातों के अंदर पैसे डाले गए, 8 करोड़ बहनों को और रसोई गैस का सिलेंडर निशुल्क उपलब्ध कराया गया 3 महीने तक, ऐसे ही और 8.7 करोड़ किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपया प्रति मास डालना, और इसी तरह से जो मजदूर है उसके खाते में 2-2 हज़ार रुपया प्रति मास डालना, ऐसी अनेक योजनाएं और 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल / आटा और प्रति व्यक्ति और 1 किलो दाल प्रति परिवार, ये दे करके और भारत को, भारत के गरीब को बचाने का एक प्रयास किया गया है। उसी कड़ी में एमएसएमई, जो छोटे उद्योग, मझोले उद्योग हैं, उनको जिंदा करते हुए रोजगार के सृजन के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का पैकेज और जो पिछले कल अनाउंस किया है, हम नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं।